Hi friends, good morning, namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another vlog. तो अभी सुबह के 11 बजे है 11 और मैं vlog start कर रही हूँ. मैंने breakfast किया, फिर मैं ऊपर आई हूँ छत पे थोड़ा सा धूप में बैठने के लिए, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, गर्मी लग रही है, तो मैं नीचे जाऊँगी. और आप लोग देख सकते हो मेरे आईज़ दोनों तरफ सूजे हुए हैं, आई डोंट नो वाई. कल रात को मैं शायद 2 बजे सोई थी, मतलब सोई तो जल्दी थी लेकिन नींद 2 बजे आई थी. तो 2 बजे सोने के बाद मैं उठी थी 10:30 में, तो आराम से मैं 7 to 8 hours सोई थी, लेकिन उसके बाद भी पूरा पूरा इधर इधर सूज गया है मेरा. 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है. और अभी मैं छत पे धूप पे ऐसे ही बैठी हूँ, और कुछ कपड़े भी मैंने कल रात को ही धोए थे लेकिन सुखाया नहीं था, तो उसको सुखाने लाई हूँ, तो सुखाती हूँ. तो कल रात को नहा के कपड़े धोए थे मैंने लेकिन सुखा नहीं पाई, तो अभी सुखा दिया है. और बाहर का वेदर आप लोग देख सकते हैं, आज बहुत अच्छी धूप है. और जो मैंने आलू लगाया था वो आलू की ऐसी हालत हो गई है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है इसका प्लांट, लेकिन फिर भी मैं पानी डाल रही हूँ. कपड़े सुखा दिए मैंने और थोड़ा सा इधर आके बैठी हूँ मैं. तो अभी ना वर्ल्ड टीबी डे आ रहा है, टीबी अवेयरनेस. उस दिन जो है टीबी अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा टीबी अवेयरनेस कैंपेन्स लगते हैं और यही सब होता है टीबी अवेयरनेस के बारे में. सो इफ़ यू आर अ टीबी पेशेंट वॉचिंग दिस व्लॉग, तो 24 मार्च को टीबी अवेयरनेस डे या फिर वर्ल्ड टीबी डे पे आप लोग भी कुछ अपनी स्टोरीज शेयर करिए, पोस्ट करिए आप अपने स्टोरीज पे या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पे, दैट हाउ यू आर फाइटिंग टीबी. और मतलब लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस कराइए. बट सम पीपल आर नॉट कम्फर्टेबल डूइंग दैट, सो इट्स ओके. लेकिन अगर कोई भी कम्फर्टेबल है तो आप लोग प्लीज़ करिए, अवेयरनेस फैलाइए. एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ मेकिंग माई ट्यूबरक्यूलोसिस जर्नी ऑन दैट डे, क्योंकि 1 साल पहले ही मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी माई ट्यूबरक्यूलोसिस स्टोरी करके. तो उसमें ना मैं जब मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए उसके 6 मंथ्स बाद मैंने वो वीडियो शूट करी थी. दैट टाइम ऑल्सो मैं बेड रिडन ही थी, शायद मैं चल नहीं सकती थी अच्छे से. तो उस टाइम मेरा माइंड इतना क्लियर नहीं था कि मैं हर चीज़ उसको उस टाइम बोल पाऊँ. बहुत सारी चीज़ें रिपीट कर रही थी मैं, और कुछ टेस्ट के मुझे नाम ही नहीं पता था उस वीडियो में, हम देखेंगे. तो मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम मैं अच्छे से अपनी जर्नी शेयर करूँ. तो सोच रही हूँ कि आज वो वीडियो शूट करूँ, लेकिन होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि नीचे भी काम चल रहा है घर पे भी, एंड ऊपर छत पे बैठ के शूट करने में भी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा धूप. तो मैं देखती हूँ, अगर टाइम मिलता है तो मैं शूट करूँगी आज. और अभी नीचे जाके देखती हूँ कि हस्बैंड क्या कर रहा है. तो गाइज मैं नीचे आ गई हूँ और इतना सारा मोमोज देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मोमोज का मैं करूँगी क्या. तो हमने एक छोटा सा फूड बिज़नेस स्टार्ट किया है, अभी सिर्फ मोमो स्टॉल है, लेकिन अगर कुछ अच्छा होगा तो हम लोग और ऐड करेंगे. बहुत टाइम से मैं घर पे थी, कुछ नहीं कर रही थी, और मुझे 9 to 5 जॉब करने की अब हिम्मत नहीं है मेरे में. तो अगर हम कुछ अपना करेंगे तो उसमें अपना ही रहेगा कि आप जाओ ना जाओ अपनी मर्ज़ी, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है. और मेरे पास अभी ये पार्सल आया है, ये है बाई नेचर का रोल्ड ओट्स. मैंने इस बार रोल्ड ओट्स मंगाया है, हमेशा मैं ओट्स खाती हूँ, आप लोगों को पता ही मैं ओट्स कितना खाती हूँ, लेकिन जो ओट्स मैं खाती हूँ वो बहुत फ़ाइन होता है. तो मैंने सुना है कि रोल्ड ओट्स जो है वो अच्छा है, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया है. और मोमो शॉप का काम अभी मैं, हस्बैंड और हमने एक स्टाफ रखा हुआ है, एक भैया है, तो तीनों मिलकर करते हैं. तो अभी मेरे हिस्से में काम आया है कि मैं चटनी बनाऊँ. तो मोमोज़ का चटनी कैसे बनाते हैं मैं आप सबके साथ मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी. सबसे पहले तो मैंने बॉयल किया है चिल्ली और टमाटो को, बॉयल करके चिल्ली टमाटो, उसके साथ मैंने ऐड किया है गार्लिक और उसके साथ कोरिएंडर लीव्स. कोरिएंडर लीव्स ऑप्शनल है, लेकिन कोरिएंडर लीव्स डालने से अच्छा फ्लेवर आता है. तो हमारा है टमाटो, गार्लिक, चिल्ली एंड कोरिएंडर लीव्स. उसमें मैंने ऐड किया है ये सॉल्ट अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब का, और मैंने मिक्सर में इसको पीस लिया. तो ये रही हमारी रेड चटनी. तो मोमोज के साथ जो स्पाइसी रेड चटनी मिलती है ये वही मैंने बना लिया है. अब हम दूसरा बनाएंगे पीनट चटनी. तो पीनट चटनी के लिए सबसे पहले मैंने पीनट को रोस्ट किया है. पीनट का बस फ्लेवर चाहिए, थोड़ा कम ही लगेगा पीनट, तो मैंने इसको रोस्ट कर लिया है. उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर टमाटो, चिल्ली, पीनट और ये सॉल्ट. तो कुछ भी इतना तामझाम नहीं करना है, बहुत सिंपल है. टमाटो, चिल्ली, पीनट एंड सॉल्ट, उसको मैं अच्छी तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड करूँगी. अगर हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनेगा इसका. और ये रही हमारी पीनट चटनी मोमोज के साथ खाने के लिए. सो गाइज इट्स 1:30 एंड किचन के काम से मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है, क्योंकि जो चटनी बनानी थी, मेयोनीज बनानी थी, वो सब मैंने बना के रख दी है. और अभी मैं नहाने जाऊंगी, उसके बाद मैं लंच करूंगी, फिर जब ये जो फूड आइटम्स है ये जाएंगे तो उसके बाद किचन क्लीन करना रहेगा, क्योंकि किचन बहुत मैसी हो गया है. तो अभी जल्दी से मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद लंच करके मिलती हूँ.
तो गाइज मैंने नहा लिया है और लंच भी कर लिया है, हेड वॉश नहीं किया क्योंकि हेड वॉश सिर्फ हफ्ते में 3 बार करती हूँ। तो अभी जल्दी से मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ और मैं वीडियो बनाना है मुझे, तो अभी लाइट नहीं है। आई होप जब तक मैं किचन क्लीन करके कंप्लीट करूँ तब तक लाइट आए, क्योंकि नहीं तो बहुत डार्क डार्क आएगा वीडियो में, मुझे छत पे जाना पड़ेगा। और छत पे मैं आराम से बैठ के वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा साउंड आता है। तो देखते हैं, अभी मैं जल्दी से किचन क्लीन कर लेती हूँ। सो गाइज इट्स 4:30 एंड मैंने किचन क्लीन करने के बाद वीडियो भी बना लिया है। तो जो मैंने वीडियो बनाने में बैठी ना, तभी लाइट चली गई पहले तो, फिर उसके बाद जब लाइट आई तो बच्चे रोने लगे बाहर, और कभी पानी की गाड़ी आ जाती है, कभी क्या आ जाता है, मतलब बीच बीच में इतना ज़्यादा कट करना पड़ा, इतना ज़्यादा कट करना पड़ेगा। अब एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो अभी मेरा सब कुछ काम ख़त्म हो गया है, वीडियो भी बना लिया है मैंने, और मैं 2 दिन से अपने नेबर के पास नहीं गई हूँ एंड शी इज़ कॉलिंग मी। तो अभी मैं वहाँ पे जाती हूँ, चाय पीते अच्छे से, गप्पे मारते हैं, फिर मैं बाद में आके मिलती हूँ। गाइज अभी 7 बज गए और मैं नेबर के घर से आ गई हूँ, और ये मेरे पीछे लियो बहुत सैड होके बैठा है। क्यों सैड है बेटा? क्योंकि उसके पापा नहीं है, अभी पापा आ जाएंगे तो बहुत खेलने कूदने लगेगा। तो अभी मैं बना के आई हूँ चाय। तो ये चाय थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि ये दार्जिलिंग टी है और मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था, तो इसका रिव्यू भी जल्दी आएगा। टेस्टी है दार्जिलिंग टी विद मसाला, इसमें मसाला ऑलरेडी चाय पत्ती में ही है, तो इसका रिव्यू जल्दी आएगा। और अभी मैं चाय पी के थोड़ा सा मेरे को एक वीडियो एडिट करना है, वो करूँगी, फिर मैं डिनर बनाऊँगी, तो डिनर बनाते टाइम मिलती हूँ। सो गाइज इट्स 8 o'clock एंड अभी मैं डिनर बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। तो मैं बना रही हूँ राइस, और सब्जी में मैं बना रही हूँ आलू और कैबेज की सब्जी, आलू कैबेज की सब्जी और राइस बना रही हूँ। तो मैंने डिनर बना लिया, और डिनर बनाने के बाद मैं यहाँ पे मसाले बनाऊँगी, क्योंकि पहले जब मुझे ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं हुआ था तब मैं मसाले घर पे ही बनाती थी, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था, और जो घर पे बने हुए मसाले होते हैं ना उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। फिर बाद में हमारा मिक्सी भी ख़राब हो गया और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं बाहर से ही लाती थी, बट फाइनली मैं आज घर पे बना रही हूँ। तो मैं जीरा पाउडर और धनिया पाउडर बनाऊंगी आज। तो जीरा को अच्छी तरीके से मैंने रोस्ट कर लिया है, और अच्छे से रोस्ट करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, और आप फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, नहीं तो दरदरा भी छोड़ सकते हैं। तो इसको मैं ट्रांसफ़र करूंगी ये मसाले का डिब्बा में, और मेरे मसाले बन गए हैं। और मैंने वेज राइस तो बना लिया था, लेकिन अभी अभी मेरे ब्रदर इन लॉ ये लेके आए चिकन बिरयानी, तो मैं डिनर में यही खा रही हूँ। उसके बाद जो है मैंने थोड़े से मोमोज भी खाए, बिरयानी भी खाया, मोमोज भी खाया, बहुत ज्यादा पेट भर गया मेरा। 11 एंड मैं और लियो खाना खा के वॉक कर रहे हैं, लियो इज हियर। तो अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा खा लिया, तो मैं थोड़ी देर वॉक कर रही हूँ। एंड यहाँ पे जो मुझे मच्छर ने काटा था वो अभी थोड़ा ज़्यादा विजिबल होने लगा है, सुबह तक छोटा सा दाग था लेकिन अभी ज़्यादा डार्क हो गया है ये। तो अभी मैं अपने टैबलेट्स लूँगी, स्टीम करूँगी, और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए है। बट आज का ब्लॉग जो है यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स पसंद आए दें प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।